मैं चार पंक्तियों से माँ को समर्पित करते हुए स्वागत है। माँ सरस्वती को समर्पित करते हुए मैं चार पंक्तियों से अपने काव्यपाठ को शुरू करता हूँ। अंधेरी रात में जब भी हूँ जागा जागती है माँ। बाबा अगर मैं हकीकत कह दूं तो आपका आशीर्वाद तालियों के माध्यम से मुझ तक पहुँचे। स्वागत है। अंधेरी रात में जब भी हूँ जागा जागती है माँ, भला अब और क्या कह दूं, बहुत ही आदती है माँ कि जिसने है नहीं लांघा कभी दहलीज घर की वो बाबा। जिसने है नहीं लांघा कभी दहलीज घर की वो, मेरी तबीयत बिगड़ने पे सड़क पर भागती है माँ। तबीयत बिगड़ने पे सड़क पे भागती है माँ। चूंकि श्रृंगार लिखता हूँ, आप लोगों ने श्रृंगार के रूप में ही मुझे स्वीकारा है, मैं चार पंक्तियों से शुरू होता हूँ। हम तो दरिया है समंदर कौन है, हम तो दरिया है समंदर कौन है राजा कलंदर कौन है, सब ने हारा है सहज इस खेल को, सब ने हारा है सहज इस खेल को, दिल के बाजी में सिकंदर कौन है। हाथ उठाइए एक बार, हाथ उठाइए पूरा। कहने भाई क्या कहने, सिकंदर कौन, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ अभी कैसे बता रही थी कि आजकल के जो प्रेम है, प्रेम के परिदृश्य बदल गए हैं, और जो सो कॉल्ड आज के जो प्रेम हो रहे हैं वो किस तरह की बातें होती हैं आपस में प्रेमी और प्रेमिका के बीच, प्रेमी क्या कहता है सुनिएगा। स्वागत है। उसके गलियों में ही मुझको जाना है बाबा, उसकी गलियों में ही। ये मैं आज का परिदृश्य दिखाना चाह रहा हूँ आपको। उसके गलियों में ही मुझको जाना है, बात पते की उसको अब समझाना है, अपनी जान हथेली पर मैं रख दूंगा, अपनी जान हथेली पर मैं रख दूंगा, उसको मैंने जान से ज्यादा माना है, उसको मैंने जान से ज्यादा माना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी से कुछ और मुक्तक ऐसे ही एक सीरीज में सुनिएगा। बढ़िया। ये दिल अक्सर ही उसके बालियों पर झूल जाता है, ये दिल अक्सर ही उसके बालियों पर झूल जाता है, पता जब भी वो करती है ये सब कुछ भूल जाता है, ये उससे दूर हो करके पिचक जाता है अक्सर ही, ये उससे दूर हो करके पिचक जाता है अक्सर ही, वो हंस कर देखती है तो कसम से फूल जाता है। कैसा दिल है भाई, कसम से फूल जाता है। बहुत शुक्रिया, अच्छा दिल है। आप लोग का बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं जो है ये युवा दिल है, युवा दिल है। अब प्रेम करते करते ऐसा होता है कि प्रेम करते करते एक समय ऐसा आता है कि गौतम जी जाना नहीं, बेवफा वाली चीजें जो है, बेवफा तुम निकल गए, तुमने दिल तोड़ा। मैं उस पे चार पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर मेरी बात सच हो तो आपकी तालियां मुझे यहाँ तक आशीर्वाद के रूप में पहुंचे। ये आशीर्वाद है भैया, ये कमाई है। वाह, देखिए एक युवा दिल की बात जब हुई थी, एक युवा ही आए हैं। ये गौतम जी हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वो दिल की बात समझ गए। जब शादी हो जाएगी हकीकत जान जाएंगे। आप अध्यापक हैं। मैं प्रेम प्रेम की बातें हो रही थी तो इसी क्रम में क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई प्रेम तो हो गया आपको, बेवफा वाली बात हुई, तो मैंने चार पंक्तियां लिखी। क्या लिखी, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत। मेरे मासूम रिश्ते को, बहुत संजीदगी से सुनिएगा। स्वागत है। मेरे मासूम रिश्ते को जफा का नाम मत देना, जुदाई की सुबह कोई
हिज्र की शाम मत। वाह भाई वाह, क्या कहने। मेरे मासूम रिश्ते को जफा का नाम मत देना, जुदाई की सुबह कोई हिज्र की शाम मत देना। भले हंस कर कोई नस्तर चुभो लेना मेरी जाना, भले हंस कर कोई नस्तर चुभो लेना मेरी जाना, मगर तुम बेवफाई का हमें इल्जाम। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई विशाल, बहुत बढ़िया। कुछ मुक्ता किसी करी मैं आपके साथ जोड़ता हूँ। सब जानते हैं आप ही बतलाइए हुजूर, सब जानते हैं आप ही बतलाइए हुजूर, कोई तो अक्ष मेरे लिए लाइए हुजूर। सब जानते हैं आप ही बतलाइए हुजूर, बढ़िया, कोई तो अक्ष मेरे लिए लाइए हुजूर। मैं टूट के बिखरा पड़ा हूँ कांच की तरह, मैं टूट के बिखरा पड़ा हूँ कांच की तरह, फिर से न कोई मुझ पे सितम ढाइए हुजूर। वाह वाह वाह, से न कोई क्या कहने भाई, सितम ढाइए। आपकी तालियां जो है मुझ तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आपकी तालियां ही मुझे ऊर्जावान करेंगी। आपको कितना, मैं कितने देर मंच पे रहूंगा, ये आपकी तालियां मुझे बतलाएंगी कि मैं कितना देर मुझे पढ़ना है। मैं इसी के साथ बिना किसी भूमिका के मैं एक गीत पढ़ता हूँ जो मैंने काव्य यात्रा के सबसे प्रारंभ में लिखी थी। भैया स्वागत है। एक मुक्तक उसके बाद पढ़ता हूँ गीत को मैं। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, बढ़िया, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की। क्या कहने भाई। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की मेहंदी। बढ़िया। तुम्हारे नाम की हल्दी हमें घर ना लगी तो फिर, तुम्हारे नाम की हल्दी हमें घर ना लगी तो फिर हमारी जान ले लेगी। कहने भाई, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये दर्द है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और ये ऐसी रचनाएं, इसके लिए जोरदार तालियां, आप जितना बजाए उतना कम है। बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं इसी के साथ जो है एक गीत शुरू करता हूँ कि जो मैं इसके लिए भूमिका बना रहा था, आप लोगों का समर्थन मिले। स्वागत। प्रिय देखा जाएगा आधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। पहली बार मिले जो तुम थे खुल गया भाग्य हमारे बाबा, फिर जो तुमको मिल गए हम तो हो दुर्भाग्य तुम्हारे बाबा। रूप मदीरा हुस्न कहो या वक्त विचारेगा, देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। सुनिए मैं प्रेम को किस तरह से देखता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, बाबा बाबा। एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, एक है पावन मुनि प्रेम में एक गंगा की धारा, एक लिखता है गीत गगन में, एक लिखता है गीत
गगन में देख पपीहा गाएगा। क्या कहने भाई, क्या कहने। जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मैं मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ अपने जीवन से। मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो। मेरी मेरे बनारस में एक मोक्षदायिनी मणिकर्णिका को कहते हैं, जहाँ की जहाँ के बारे में आप सब जानते होंगे कि वहाँ कभी चिता जो चिताएं जलती हैं उनकी आग जो उनकी जो लौ है कभी बुझती नहीं है। मेरी क्या इच्छा है उस मणिकर्णिका से, मैं क्या चाहता हूँ उस मोक्षदायिनी से, क्या चाहता हूँ, सुनिए। स्वागत। मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो। मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो। सिमटूं जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्षदायिनी हो। सिमटूं जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्षदायिनी हो। धन दौलत सब रह जाएगा, धन दौलत सब रह जाएगा, कर्म ही लेता जाएगा देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अभी सुरेश भैया कह रहे थे कि अधरों का नियम किधरों का तिल देख लेंगे। एक गीत जिसके लिए मुझे खास कहा गया था, मैं उसको अंत में पढ़ रहा हूँ। आपका आपका आशीर्वाद रहा हो तो आगे भी पढ़ूंगा, आप जितना देर चाहेंगे इस गीत के बाद। एक कहानी, इसको बड़ा आराम से सुनिएगा, इसमें संजीदा होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स से सुनिएगा, सुनिएगा इस गीत को आप। स्वागत। एक कहानी प्रेम में जहां इश्क भी चंदन लगे। एक कहानी प्रेम में जहां इश्क भी चंदन लगे। क्या कहने। उसके संग जब बैठूं मैं तो चंदौली भी लंदन लगे। भाई ये बात है, आप जहां आपको बात अच्छी लग रही है वहां आप ताली नहीं बजा रहे हैं। जोरदार तालियों से मुझे आप ऊर्जावान ऊर्जा वहां से भेजिए ताकि मैं यहां से आपके आपके लिए कुछ और अच्छा सुना सकूं। एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे। उसके संग जब बैठूं मैं तो चंदौली भी लंदन लगे। प्रेम में छल करके हमसे, प्रेम में छल करके हमसे अपने रास्ते वो चली और वो भी बेवफा निकली। वाह भाई, है और वो भी बेवफा निकली। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए। यूं हम देखते ही रह जाते हैं, कर क्या सकते और कर ही क्या सकते, सिर्फ देखते ही रहे। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए। हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रसते बह गए। रोज एक भवरे के आगे, रोज एक भवरे के आगे खिल रही थी वो कली और वो भी बेवफा निकली। कहने भाई, और वो भी बेवफा निकली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुआ क्या, प्रेम में तो बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन मैं कुछ खास, हमारे संयोजक महोदय बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम में आयोजित किया है, आपके हिम्मत को सलाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे संयोजक कृष्णा मिश्रा जी के लिए, जो बहुत जोरदार तालियों से इनको आप ऊर्जावान करिए कि प्रत्येक साल एक साहित्यिक संस्था के द्वारा, काव्य मंचा के द्वारा एक कार्यक्रम को चंदौली में जीवित किए हुए, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हिम्मत की बात होती है। मैं इनको इस बंद को समर्पित कहता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया मैंने 3 बार प्रेम किया है जीवन, 3 बार यह झूठ रह गया, यह बोली है। तो इस तीन बार जो मैंने प्रेम किया है, उस 3 बार को अपने गीत में आप इसको पिरो सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल हो सकता है भाई, हमारा काम ही यही है, आप जो कहेंगे आपके मन मुताबिक मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर आप बात आपको अच्छी लगे तो मुझ तक पहुँच। विशाल, एक गम के आंसू छलक जाए तो इंसान क्या, अब मुफलिसी लफ्ज से झलक जाए तो इंसान क्या, अब बना लो अपने दिल को फौलाद यारो, जरा सी चोट से दिल दलक जाए तो इंसान। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे कृष्णा मिश्रा जी,
तीन बार टूटा फिर भी मजबूती से खड़े। उनके उनके फौलादी दिल के लिए मैं इस बंद को उनको समर्पित करता हूँ। सुनिए स्वागत। प्रीत की काउंट कर सकते हैं आप उंगलियों पे। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई। नहीं मिल पाई। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई। दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई। बड़ी दुर्भाग्य। तीसरी तो आई लेकिन भूल गई मेरी गली और वो भी बेवफा निकली। बहुत बढ़िया। बहुत वो भी बेवफा निकली। बहुत सुंदर। एक 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 छंद में पढ़ता हूँ चूंकि राजनीति की बात हो रही थी। मैं उतना राजनीति पे तो लिखता नहीं हूँ चूंकि सोचता हूँ एक एक छंद मैं अपनी बात से जो मेरी कलम में माँ सरस्वती ने मेरे जो क्षमता दी है मैं उसके एक बात अंतिम बात कहता हूँ। स्वागत स्वागत। इसकी बात सुरती जी अपना मन जीवन अपूर्ण लिए पूर्णता की खोज में है। जीवन अपूर्ण लिए पूर्णता की खोज में है। आपसी ये दोनों तकरार मार डालेगी। बा भाई आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ये अंतिम बंद मैं अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। जीवन अपूर्ण लिए पूर्णता की खोज में है। आपसी ये दोनों तकरार मार डालेगी। लहरों के साथ यदि आप जो नहीं बहे तो फिर आपको ये मझधार मार डालेगी। फिर आपको ये मझधार मार डालेगी। खुद से नहीं खड़े हुए जो आप इस घड़ी। खुद से नहीं खड़े हुए जो आप इस घड़ी। फिर आपको ये सरकार मार डालेगी। फिर आपको ये सरकार मार डालेगी। वक्त के बीमार से जो आप यदि बच गए। वक्त के बीमार से जो आप यदि बच गए। आप अधापी की रफ्तार मार डालेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।